आज तो हम काले बंदर को पकड़ के रहेंगे। अच्छा हुआ बिट्टू भैया भी आ गए। सुनिए, हम लोग ना तीन टीम्स में काम करेंगे। लवली, तुम निम्मी भाभी के साथ ही रहना। हाँ। बिट्टू भैया और मैं अलग अलग डायरेक्शंस में जाके पहरेदारी करेंगे, ठीक है? काला बंदर आज आएगा ना भाभी? रुकती है, ढूंढ लेंगे ना, आएगा तो देख लेंगे। हाँ। है ना? अब आप कहीं नहीं जा सकती भाभी, क्योंकि मैं आपकी पहरेदारी कर रही हूँ। मैंने जरा बाथरूम जाना है, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ओए हद कर दी तूने, हर जगह मेरे पीछे 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 घूम रही है। कमाल कर देता, मर जाने कम से कम बाथरूम में तो अकेले जाने दे। हाँ भाभी, लेकिन वो मैं अकेली यहाँ पे। ओए अकेली कहाँ है तू, वो दोनों है ना? हाँ लेकिन मगर ओए ओए है ना। उनके मकान मालिक ने धमकी दी है कि दिवाली से पहले स्वीटों खाली नहीं किया तो धक्का मार के निकालेंगे। कहीं निमी भाभी गुप्ता जी के बेटे को सबक सिखाने के लिए तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, किसी भी हाल में मुझे उन्हें रोकना ही होगा। ए! ए! मतलब उसे चोट लगी है। निम्मी भाभी आप कहाँ थी? ओए मैं तो ऐसे ही थी, तू किधर चली गई थी? हाँ निम्मी देवी जी पता कितनी परेशान हो गई थी। हाँ आप लोगों के कहने का मतलब ये है कि निम्मी भाभी यही आप दोनों के साथ थी? कल रात जहां स्वीट होम की देखरेख करने वाले गुप्ता परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कल रात स्वीट होम के मैनेजर को एक रुपयों से भरा बैग मिला है और उन रुपयों से स्वीट होम के मैनेजर ने सारे कर्ज चुकाकर स्वीट होम को बंद होने से बचा लिया है। अरे इस मुहे काए बंदर ने कोई काम तो अच्छा किया, वरना सुबह सुबह लूटपाट की खबर सुनकर मारा तो जी घबराने लगा था।